Hi guys, what's up? This is Aman Tilak from AIIMS-D. So, जैसा मैंने कुछ जो पिछले वीडियो था विद अंतरा मैंने बताया था कि मैं आगे भी सेशंस लाऊंगा अंतरा के साथ. So, today I again have with us अंतरा भट्टाचार्य. अंतरा, welcome to our channel. She secured All India rank 75 in AIIMS 2019 after being a dropper. है ना? And that too also 11-12th इसने state board से की थी, कोई CBSE या फिर national board से इसने studies नहीं की थी, है ना? And let me welcome his father, Mr. Amlan Bhattacharya. Sir, welcome to our channel, है ना? So this session मैंने इसलिए बनाया है कि rather than मैं आपको बताऊं कि as a repeater आप कैसे depression को overcome करें, it will be better कि जिसने खुद repeat किया है वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाए, तो वो आई थिंक दैट वुड बी बेटर. सो अंतरा, व्हाट हैपेंस इज कि जैसा कि जब हम लोग रिपीट करते हैं तो बहुत सारी जो दिक्कतें जो ऐसे दिखती नहीं है, बोलना तो बहुत आसान लगता है रिपीट करना, लेकिन जब खुद रिपीट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग के सामने आती है. पहली चीज आती है प्रेशर. yes. जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनमें क्या आता है, फैमिली से प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर आता है कि भाई नहीं कर पाए, है ना? सबसे उसके बाद खुद भी अपने आप को बुरा लगता है कि यार मेरे से क्यों, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मेरे से क्यों नहीं अच्छा हो रहा. चौथा जो सबसे बुरा जो लगता है वो ये होता है कि आप ही के जो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे एक सेल्फी पोस्ट करके डालते हैं, है ना? तो फिर लगता है कि यार वो डॉक्टरी कर रहे हो और मैं अभी भी वही क्लास 11th-12th में फंसा हूं या फंसी हूं, है ना? सो अंतरा, व्हाट वाज योर सीक्रेट कि तुमने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा पूरा एक साल, डिप्रेशन कैसे नहीं आने दिया? ऐसा नहीं कि डिप्रेशन नहीं आता था, लेकिन अब ड्रॉपर है तो डिप्रेशन आएगा ही, पर डिप्रेस्ड होके क्या फायदा, क्या उस डिप्रेशन को ओवरकम करके आपको आगे निकलना है. बट फैमिली से मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इतने देर तक पढ़ो, ये करो वो करो, कुछ नहीं था. जब तक मेरा मन था मैं तब तक पढ़ती थी. तो पीयर प्रेशर की बात करें तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. फ्रेंड्स कुछ ना कुछ जगह पे सेटल हो गए थे, सेल्फी पोस्ट करते थे, यहाँ पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं, और मैं अभी भी ड्रॉप कर रही थी, रिपीट कर रही थी अपने एग्जाम निकालने के लिए. बात ये है, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे फैमिली ने मुझे मोटिवेट बहुत किया है. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जो हो गया हो गया, अब आगे देखो क्या हो कर सकते हैं. और मेरी मॉम तो मुझे हमेशा से ही बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि वही मेरे साथ हमेशा रहती थी, तो मुझे डिप्रेशन ना आए उन्हीं को हमेशा ख्याल रखना पड़ता था ना. तो उसके बाद क्या हुआ, अब मैं सोशल मीडिया को क्रेडिट देना चाहूंगी. अब सोशल मीडिया बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही होता है. इंस्टाग्राम पे मैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ती थी जब भी डिप्रेस्ड फील करती थी, या फिर किसी बायोपिक मोटिवेशनल बायोपिक देख लेती थी, बुक्स पढ़ती थी, स्पीचेस. और यूट्यूब में भी मोटिवेशनल वीडियोस तो बहुत सारे हैं, उनको यूज करो. अब बुरे टाइप से अब यूज करोगे तो बुरा ही होगा यूट्यूब में तो, मतलब. और अमन सर तो हमें बहुत ही मोटिवेट करते रहते हैं, उनके सारे वीडियोस में देखती थी. जो 20 दिन मैंने हार्ड वर्क की थी तब वो रोज वीडियो डालते थे, स्टडी के बाद मैं रोज उनकी वीडियोस देखती थी. तो ऐसे ही मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा. चलो, दैट्स रियली गुड टू नो, एंड इट इज अ फीलिंग ऑफ वेरी वेरी ऑनर दैट कोई आपको फॉलो करके, है ना? एंड Now she is an AIIMS-onian, a proud AIIMS-onian. And sir, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग के साइड से एज पेरेंट्स आप लोग की तरफ से ऐसा क्या सपोर्ट था कि ये इसको दिक्कत ना हो, कोई डिप्रेशन में ना जाए और अच्छे से पढ़ते रह सके? डिप्रेशन आता है उसको, हमें भी आता है. तो हम बोलता है डिप्रेशन लेकर क्या करोगे, डिप्रेशन लेकर बैठ रहे तो वो हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया, हमारा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो. बिल्कुल. हम बोलता है वो जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बना, इतना बड़ा बना, वो एक फर्स्ट चांस में नहीं हुआ. बिल्कुल. देखो, हम ये सब बोलता है, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, डिप्रेशन छोड़ो. बिल्कुल सर. सर, और
थैंक यू वेरी मच बताने के लिए. मेरा सारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये सेशन, उनसे सजेशन है कि गाइस अभी मैं अंतरा इज वेरी वेरी लकी एंड सर यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसी बेटी मिली एंड यू आर वेरी लकी अंतरा कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, है ना. अभी मैं आई वॉज इन लखनऊ, है ना, सम टाइम्स बैक, है ना, थोड़ा टाइम बैक, एंड आई मेट अनदर एस्पिरेंट, है ना, जिनके जो पेरेंट्स थे उनका नीट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. सो उसको इतना डाटा कि सर आप एक बात बताइए सर, सिलेक्शन होना या ना होना अपने हाथ में थोड़ी ना, हमारे हाथ में तो सर मेहनत करना है ना. तो सर उसको इतना डाटा कि सर मुझे तो यही नहीं समझ में आता सर कि आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, अगर नहीं हो पाए तो सर उसे बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो उससे क्या होता है, अगली बार हो जाएगा, है ना, और अगली बार भी नहीं होता तो क्या दिक्कत है सर, केवल नीट या यही थोड़ी ना है, है ना सर. इसलिए ये मेरा सारे पेरेंट्स से सजेशन है कि प्लीज सर एंड मैम्स, मेरा सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अपने बच्चों को फोर्स ना करें, ठीक है, प्लीज उनको डांटे ना. दो चीजें होती हैं सर इसमें भी, जो मुझे लगता है दो चीजें होती हैं. पहले वो पेरेंट्स होते हैं जो कि फोर्स करते हैं बच्चे को मेडिकल करने के लिए, है ना, कि बच्चे का मन नहीं है मेडिकल करने का, तब भी देर भी फोर्सिंग की भाई मेडिकल ही करो, सोचते हैं इसी से जिंदगी बनेगी. दूसरे वो होते हैं सर जो कि बच्चे तो चाहते हैं कि भाई मेडिकल करना, लेकिन उनसे नहीं निकल पाता तो फिर उसको फोर्स करते कि तुम बेवकूफ हो, तुमसे नहीं हो सकता, तुमने मेहनत नहीं की. इवन सर एक बात बताइए, अगर किसी ने सही में अच्छे से मेहनत की हो और उसका नहीं निकला मेडिकल तो सर उसकी गलती थोड़ी ना. नहीं होगा तो नहीं होगा तो डांटने डांटने में क्या होगा, डांटने बच्चे को डांटेगा तो क्या, वो खुद खुशी कर लेगा, ये तो बहुत बुरा है ना. बिल्कुल सर और यही इसलिए सर सुइसाइड्स भी इन दिन इंडिया में ज्यादा जा रहे हैं. लेकिन सर मेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मैं हाथ जोड़ कर आप जैसे लोगों को नमन करता हूँ, ऐसे पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को इतने अच्छा सर शिक्षा देते हैं और इतना अच्छे से आप मार्गदर्शन किया आपने, है ना. तो मेरा तो सर थोड़ा सा गाइडेंस रहा, लेकिन सर रियली दैट इज ग्रेट टू नो सर कि आपने इतना सब किया और इतना एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करना बहुत बड़ी चीज होती है सर, एंड दैट्स रियली गुड टू नो सर. शत शत नमन आपको मेरे साइड से. सो सर एंड अंतरा थैंक यू वेरी मच कि आपने सबको अपने ये चीजें बताई, शेयर की, है ना. एंड मुझे अपने चैनल पे एक जो सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ प्लान थोड़ी ना किया, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, जो अंतरा के दिमाग में था वो ये बोल रहा हूँ. इसलिए एक आपको सच्चा ओवरव्यू मिल पाता है ना. और मैं नहीं चाहता कि प्लान इंटरव्यू पे, इसलिए मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, है ना, कि उसमें सब स्क्रिप्टेड प्लान होता है ये वो, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू मुझे जो लगता है कि मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना. सो गाइस आपको अगर लगता है कि मेरे सेशन से हेल्प होता है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. और टेलीग्राम ग्रुप पर जैसा मैंने बोला था अंतरा, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि मेरी जो एनसीईआरटीज है, ठीक है, पीछे रखी हुई है, इफ यू कैन सी, है ना. सो बच्चे बोल रहे थे कि एक मैंने अभी मार्क्ड अपनी एनसीईआरटी का एक चैप्टर पोस्ट किया था, है ना. सो मेनी पीपल वर उससे उनको हेल्प लगी कि भाई उसको जैसे मैंने मार्किंग करके रखी थी तो दे फेल्ट इट वेरी हेल्पफुल कि उससे पढ़ लें तो उससे जल्दी स्पीड में हो जाए, है ना. सो मेनी ऑफ देम वर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं अपलोड कर दूं और पूरी एनसीईआरटी अपनी, है ना, पीडीएफ में. सो गाइस ये मेरा उन सबसे सजेशन है जो ये चीज चाह रहे हैं प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज इतनी मोटी स्टैक रखा हुआ है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, है ना, कि इतना मोटा स्टैक रखा उसको स्कैन करना, स्कैन करवाना इज अ मैमथ टास्क. तो आप अगर बताएं कि आपको सच्ची में चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा. अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैं अपलोड धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर. जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, स्टे फोकस्ड. एंड देखो मैं ये कहता हूं सर, मेरा ये सारे एस्पिरेंट से कहना ये है कि आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व. हमारा काम ये होता है कि हम डिजर्विंग बने, मेहनत करके हम डिजर्विंग बने. सो दैट इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर
career. All the very best, guys, for your life. Thank you very much for watching.